Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you all are doing well. So before starting this video, I just want to talk about few things. 30 seconds सुन लेना and उसके बाद आप लोग ये video enjoy कर सकते हो जैसा हमारा regular video रहता है. But कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जो पहले हुई होती है, एक साल में हुई होती है, एक दो साल बाद भूल जाते हैं. But जो पुलवामा में अटैक हुआ था, बहुत सारे सोल्जर शहीद हुए थे उस दिन जस्ट बिकॉज ऑफ वन इन्फॉर्मेशन. वो क्यों हुई थी, किसने करी थी, किसी को कुछ पता नहीं है. कोई न्यूज़ में आज के डेट में बात नहीं करेगा. हाँ, वो फ्लैश बैक वो चला देंगे बट कोई उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा. बट हाँ, मैं सिफू जी शौर्य भारद्वाज जी को पूरा फॉलो करता हूँ. उन्होंने कुछ बातें बताई थी जिनको मैं आप लोगों के सामने लगा सी कन्फ्रंट कर रहा हूँ. जो इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, अगर कहीं ना कहीं से वो लीक हुई थी, वो क्यों हुई थी, सिस्टम में कहाँ लीक था. आई डोंट वांट टू गो इन डेप्थ बट आप लोग होशियार हो. जस्ट सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करा करो, हमारे इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, जितने भी हैं हमारे सोल्जर्स जो खड़े रहते हैं भाई बाहर, वो रिस्पेक्ट करा करो. जस्ट दैट्स इट. एंड दिल से कभी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री पढ़ना भाई, आप लोग पागल हो जाओगे भाई, कसम से. ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा मैं, सिफू जी शौर्य भारद्वाज जी का चैनल जाके यूट्यूब पर देख लो, उन्होंने कितनी चीज़ें बताई अपने चैनल पर. विल गेट अमेज कि भाई ये चीज़ें हुई हुई हैं. सो मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहूँगा. बाकी आप लोग इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हो. आई जस्ट वॉन्टेड माई वॉइस टू रेज इन माई चैनल. बाकी आप लोग होशियार हो कि 18 आर्मी ओपी है, ओपी रहेगी. बट मेरे को आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी थी सो दैट कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट एजुकेट कर सके इस चीज़ के बारे में. और अब इंजॉय करने वाली वीडियो मिलते हैं आप लोगों को. Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. So it is 14th of February, Valentine's Day. बहुत सारे single लौटे अभी भी अपने घर में बैठ के. और हमारा एक सिंगल लौंडा आ चुका है बैक फ्रॉम गोवा. तो वैलेंटाइन डे वाले दिल्ली क्यों वापस आया? धोखा कर दिया क्या? हाँ. किसने? किसी ने तो कर दिया. बता तो सही, क्या क्या किया गोवा में? स्कूबा डाइविंग. बाहर निकल के तो बात कर. नहीं. क्या क्या कह रहा है मन बताना. मैं भी गोवा जा रहा हूँ अभी. मैं भी गोवा जा रहा हूँ. मैं भी गोवा जा रहा हूँ. मस्त मजे मार के आएगा लौंडे. कूल बनना है एकदम कूल. हम जाएंगे हमारी वैलेंटाइन के साथ. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ. लास्ट व्लॉग में पूरा फुल हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग घर जा रहे हैं वापस. बट नहीं, हम लोग गोवा से वापस आके यहीं पे मुंबई में रहेंगे. किसके साथ? और अमन बता सही, कैसा लगा गोवा में? बियर भी? बहुत मजा आया. बियर भी भाई, हम ये सब काम नहीं करते. अबे रहन दे अमन. हेलो दिशा, कैसी हो? माफिया भी लाइक पूरे साल साथ रही, वैलेंटाइन डे वाले दिन छोड़ के चली. और सोचो किसी ना किसी का तो वैलेंटाइन डे वाले दिन भी ब्रेकअप होता होगा. तू मछलियों के साथ गया था? स्विमिंग करी? आती है तेरे को स्विमिंग पक्का? ओए अक्षु, बाल्टी में पानी भरियो. बाल्टी में तैरूंगा क्या मैं? तो बाल्टी में पानी होता है, तेरे वहाँ पे तैरना पड़ेगा. बाल्टी में कल स्विमिंग करी नहीं करी है बता. देख ले, पूछ लो इससे. वो अक्षु कर रही है भाई. चल माफिया गया अंदर पूरा है ना. माफिया कुछ नहीं. गोवा जाएगा, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ. क्या? दो तीन टिप दूंगा ठीक है. ये तो हटा. नहीं अब बोलना. तो जाएगा तो सबसे पहले स्कूटी लेगा ही लेगा आपका, क्योंकि नहीं गाड़ी हमारी तो ठीक है. जो तू पिएगा पानी के अलावा वहाँ पर, वो ओपन में मत पीना. इसलिए ट्राई करा, इसका चलान भी कटा होगा पक्का. अरे मेरे नहीं, क्या हमारे सामने लोग क्या की, क्या पिया तेने? गाइस पक्का कुछ ना कुछ गंदा करके आए गोवा में, पक्का मुंह काला करवा के आए, तभी मुंह भी नहीं दिखा पा रहा. हेलो, कुछ ना कुछ पक्का गलत लग रहा है इसके साथ. बट अभी चलते हैं, हम लोगों को पैक करना. भाई 3 बज चुके हैं, 3 बजे मेरे को कैब ऑर्डर करनी थी, ऑर्डर नहीं बुक करनी थी. मैं जा रहा हूँ अपनी वैलेंटाइन के साथ, आप लोगों को दिखाता हूँ एयरपोर्ट में कौन है मेरी वैलेंटाइन. अभी मैं बैग पैक कर रहा हूँ, सिर्फ दो छोटे छोटे बैग लेके जा रहा हूँ. एक तो लैपटॉप अपना एज यूजुअल जिसमें अपना एडिटिंग का सामान रहेगा, और अपने कपड़े जिसमें अपने 3 जोड़ी कपड़े रहेंगे. दैट्स फ्रीकिंग इट, बिकॉज 17 सुबह हम लोग वापस आ जाएंगे और 18 को मेरा शूट है पुणे में. सो दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर राइट नाउ. बट अभी जाते हैं गोवा, जाते हैं मस्त मजा नहीं लाइफ बीच में जी के आते हैं. लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर गोवा व्लॉग्स. मैं तो सो वी विल बी गोइंग टू गोवा विद द सेम एनर्जी, सेम इंटेंसिटी. भाई ये कैमरा ना फाड़ने का मन कर रहा है, जितना मतलब अंदर से खुशी हो रही है कि भाई मुझको वेकेशन मिल रही है. Finally. आज का दिन पूरा एडिटिंग में गंदी तरीके से गया, और ये हमारा लेटेस्ट व्लॉग हमारे लोको व्यूअर्स को थोड़ा एक्सक्लूसिव देखने को मिलता है. ये 8 बजे जाना था रात को, बट हम लोगों ने आज दोपहर को
तीन बजे चला दिया। सो आप लोग लोगों पे फॉलो नहीं करा, फॉलो करो लोगों पे, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। 20 मिनट्स लेटर। सो गाइस आई एम ऑल सेट टू गो टू गोवा, रेडी वेडी हो चुके और मेरे ये दो बैग हैं, ये है पबजी वाला बैग और पीछे भी अपना पबजी वाला बैग जिसमें लैपटॉप का कपड़ा है। इट विल बी अ गुड ट्रिप भाई, बहुत टाइम बाद मैं अब ये कैसे भी वेकेशन में जा रहा हूँ जहाँ पे काम थोड़ा बहुत करूंगा, ऑब्वियसली व्लॉग्स डालने रहेंगे, एडिटिंग वगैरह करेंगे, मोस्टली आई विल बी डूइंग फन ओवर देयर। बाय गाइस। अब जाने से पहले एक बार कोकोनट पी के जाते हैं वापस से, सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई इसको ये करके। क्या भाई ये तो कुछ ज्यादा तेज नहीं क्या? बहुत भाई, कल भी तेज था बट इतना तेज नहीं था। जी जी फट रही होंगी जो तू बोलना चाह रहा है। कट हो जाएगा ना? कितने कट कर दियो? नहीं कितने कट कर दियो? कितने एडिटिंग टाइम का तूने कट नहीं करा तो तेरी ऐसी की तैसी। फ्यूचर केतन। हाँ यार वैसे सोच, टाइम मशीन चल रही है यहाँ पे तो पुराना यहाँ पे, और मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखो तो ऐसे लगे भाई मैं टाइम मशीन में चले गया। आई विल रिलिव माय ऑल ऑफ माय ओल्ड मेमोरीज भाई। सोच पास की टाइम कट, कैसा बोल रहा है फ्यूचर केतन? नो कट। मैं ही बोलता हूँ एडिटिंग के टाइम पे केतन काट दियो। मैं कौन सा केतन? फ्यूचर केतन ही होगा। चलो ओके बॉयज बाय बाय, माय कैब इज ओवर हियर। एक गोवा से आया है अभी और एक गोवा जा रहा है, पादी चल रही है, पादी पार्टी नहीं पौरी पौरी भाई। दिल्ली जा रहा हूँ घर काम से एंड उसके बाद आई विल बी बैक सून ब्रो। देख रहे हो लड़कों को आजकल बिगड़ रहे हैं भाई। भाई बता दे भाई क्या बोल रहा है तू? छी भाई छी, यू अकेले हो, अकेले ही रहो, अकेले क्या करे? सिंगल तो सिंगल ही रहते हैं। ये मुर्गी छोड़ दी मेरे पास, अंडे देगी खाना आराम से। अरे भाई कैब वाले को कॉल आ रहा है। चलो भाई चलो भाई ओके माफिया, बाय बाय मिलते हैं। चलो आ जाओ यार ब्लॉग में, आ जाना ब्लॉग में, आ जाना आ जाओ यहाँ सेल्फी लेने का। तो भाई ये हमारे सब्सक्राइबर्स और हम लोग पार्टी कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हमारी कैब आ गई है और हम लोग जा रहे हैं। इन सबको लग रहा है कि हम लोग अभी भी दिल्ली जा रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू गोवा, लेट्स गो। तो कैब इज हेयर, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं एयरपोर्ट विद माई वैलेंटाइन। मैं क्या बोलूँ भाई, मैं गोवा जा रहा हूँ तो भी किसके साथ? हमारी बेबी देखो, वैलेंटाइन इसके साथ मनाना पड़ रहा है भाई गोवा जाके। यही तो प्यार है अपना। अरे नया फोन, ओह माय गॉड क्यों चौंक गए ना गाइस। ये हूँ मैं, ये हमारी कार और हम गोवा जा रहे हैं। लेट्स सभी कैलकुलेशन हमारी ऐसी है, 5 बज रहे हैं, बांद्रा से हम लोगों ने इसको पैक करा, अब यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट, यहाँ से लगेगा आधा घंटा, दैट मीन 5:30, 7 o'clock हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी, 2 घंटे एयरपोर्ट पहले आना पड़ता। कैलकुलेशन सही बात है, लेट होने की फुल पॉसिबिलिटी, और इसके साथ तो जब भी मैं गया हमेशा ही लेट हुआ। अभी दिल्ली से नहीं आ रहा था, कभी मुंबई फ्लाइट छूट गई थी, छूट गई थी एयरपोर्ट बैठे बैठे। मैं था 1 घंटे 15 मिनट पहले पहुंच गया था। उन्होंने मुझसे 15 मिनट बातें करी, फिर बोलते सर टाइम हो चुका है। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब होता है, तो आज आ गए थे पहले। बोलते नहीं सर ये रूल्स है लॉर्डर लेसन में। कितने में पहुंचेंगे भैया? 24 मिनट्स भैया। पीछे वाले चला ले गाड़ी, हम चला देते हैं। 14 मिनट में खड़ी होगी एयरपोर्ट के बाहर, बताओ अलाउ कर रहे हो? भैया गाड़ी उड़ाते हैं चलाते नहीं। भैया बोलेंगे आई डोंट बिलीव यू, गाड़ी दो स्टीयरिंग दो पहुंचाएंगे 14 मिनट में। अरे आराम से पहुंचेंगे यार। भैया ऐसी बातें कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो क्या? मैं दिल्ली में क्या होता था, टाइम दिखा रहे हैं 50 मिनट, ठीक है 30 किलोमीटर, मैं वहाँ पहुंचा मैं 25 मिनट में, बताओ लेफ्ट तो फ्री होता है, ये छोटी छोटी चीज है जो ड्राइवर को एक प्रो ड्राइवर बनाता है। अरे यार कैसी बात है, ऑटो वाला खड़ा है ना भाई। अरे ऑटो वाले हॉर्न मारो ना, मैं भी दिखा दो। ये देख लो एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने की निंजा टेक्निक, अब चल रही है गाड़ी, ये पूरा ऊपर नहीं जाना हमें। ऐसे इंटीमेट कर अपने ड्राइवर को और वो पहुंचाएगा तुम्हें जल्दी। हाउ टू रीच एयरपोर्ट अर्ली, ये ट्रिक है, टिप्स एंड ट्रिक्स। ये तो इसको ड्राइवर बना देते हैं, ये वैसे इन मामलों में ठीक भी है, इसका रिट्स भी है, सिर्फ पीछे येलो नंबर प्लेट लगनी है। ऐसा कौन काम नहीं, पबजी बैन कर ले। मैं सोच तो ये रहा हूं, मैं कर ले एक किलो की जॉब छीन लेता हूं। मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस ही हो गया भाई, ये तो सही में कैब वाला बन रहा है। हां वैसे तो दिल्ली से गुड़गांव डाउन तो करते रहते हो। हेलो भैया ने पहुंचा दिया वैसे टाइम से, वही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करा। अगर आप लोग अगर कभी लेट हो रहे हो ना, अरे भैया क्या चला रहे हो यार ऐसे, मेरे को तो मैं चलाता हूं हैं। ओ भाई अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक वगैरह, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं लॉन्च में, ठीक है
बस लॉन्च एक्सेस है भाई। 7 बजे का हमारा टेक ऑफ है और ये देखो हम लोग अभी खा रहे हैं वड़ा पाव। ऑल्सो एक फन फैक्ट, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। यस दिस इज द सेकंड डे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाओ बेटे, यू आर डैडी। लॉन्ग टाइम रीयूनियन। सैंडविच खाने को अंग्रेज के शो है इसलिए सैंडविच खाएंगे। ग्रिल सैंडविच। मैं पता सांगवान क्या बोलता, ये चिकन टिक्का सैंडविच दे दो वेज। मैं वेज नहीं बोला भाई, मैंने सुना वेज बात अलग है। तूने वेज बोला था भाई, मैं भी वही बोलूं। मैं भी तभी रिपीट कर रहा भाई पीछे वेज मुझे नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्रैवलिंग इन दिस काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट। वरना तो नॉर्मल होते हैं जिसमें 3 सीट होते हैं, इसमें सिर्फ 2 है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इस एयरक्राफ्ट, जैसे प्रोपेलर्स वगैरह प्रॉपर आपको दिखते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखो, बी रोल चल रहा होगा इसमें। इसको बोलते क्या है डोंट इवन नो। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्रैवलिंग। ये मेरे साथ ही बैठा, दोनों की आइल सीट है। अगर वी हैव जस्ट रीच गोवा एयरपोर्ट और इस वाले जगह की हम लोगों को मेमोरी याद है जब मैं, नमन, अंकित, मयंक नहीं आया था और कौन कौन था जो भी थे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, इसी एरिया में हम लोगों ने 4 से 5 घंटे एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था। हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी, बट वो एक गलत ही। हमारे सामने से विराट कोहली भी गया था इस गेट से, वो आया था। क्रिस गेल ने पार्टी थ्रो करी थी गोवा में। फाइनली टच डाउन गोवा। अब यहाँ पे होगा दंगा 2 दिन के लिए। उसके बाद कैसीनो क्यों लीगल है गोवा में? क्योंकि वो इंडिया से बाहर है, मतलब इंडिया की बाउंड्री से बाहर है, पानी में वो। अरे कर लो यही है भाई। इंडियन की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है ना, उसके बाहर है शोर वाले एरिया में, इंडियन ओशन में। दैट्स व्हाई तभी भी ये जो बिग डैडी वगैरह है कैसीनो सारे के सारे इसीलिए लीगल है कि वो लोग पानी में है, इंडियन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर। सॉरी गाइस, मैंने वाइड एंगल करा नहीं था, बहुत गंदा क्लोजअप आया होगा। I'm really sorry. एक तो आईफोन में प्रीव्यू दे देना चाहिए यार, पीछे डबल स्क्रीन का करवा दो यार कुछ ब्लॉगर के लिए। ये जैसे आजकल बिजनेसमैन के लिए मोबाइल आने लग गए हैं, गेमर्स के लिए आने लग गए हैं, ब्लॉगर्स के लिए कुछ निकालो यार, कुछ सुविधा करो यहाँ पे। So guys, अभी जिसकी बर्थडे पार्टी में हम लोग गोवा में आए हैं, अभिषेक भाई आ चुके हैं। हिमांशु इज ओवर हियर आल्सो। अभिषेक का पीछे तो देखो एक बार। अरे देखो तो, ये थोड़ी है आज तो मेरे पार्टी से बुक करी लॉन्डो की वैलेंटाइन सब निकल जाए एक बार में, मेरे 5 साल का। तो इनकी बर्थडे पार्टी में हम लोग आए हैं 15, 16, 17 मॉर्निंग को विल गो बैक, बट 2 दिन हंगामा, गोवा उठा लेंगे सर के ऊपर। हम लोग जहाँ कौन सी जगह पर है? हम जा रहे हैं रिजॉर्ट, एक RR करके रिजॉर्ट है, ठीक है? RR RR रिजॉर्ट। अंडी वंडी शंडी जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा। सो हम लोग बीच में रुके हैं, हमारी गाड़ी हम लोगों ने बुक करी है इनोवा, और ये सुनसान जगह पे भाई। गोवा में सब ऐसे है ना, रास्ते सारे ऐसे हैं सुनसान, गलिया वाले बीच के आसपास है भाई। यहाँ पे पता है गोवा में लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तब कोई भी ऐसे नॉर्मल गली के अंदर भी गुजरा आपको लगेगा हॉन्टेड रोड है वो, बिकॉज सबके घर ऐसे बने हुए। गलत प्रैंक करते हैं, चाटा मारो यार, बेब्लेड की तरह घूमेगा, प्रैंक करते हैं। सोचो ऐसी रोड पे तुम लोग रात को 1-2 बजे आ रहे हो, चिल्लाने की आवाज आ रही है भाई, मेरे तो फट जाएगी माँ का। एक बार तो फंस गए थे भाई, हम लोग कॉलेज वाले दोस्तों के जा रहे थे, स्कूटी पे थे, मैं और अंकित था साथ में। मैं शॉर्टकट गूगल मैप्स दिखा रहे, गए लेफ्ट हैंड साइड से पता नहीं कौन सी जगह पे जाके, और सामने सारे क्रिश्चियनों के घर। जैसे लिटरली बॉलीवुड मूवीज में नहीं होता कि जहाँ पे एक डोर होता है, सामने एक क्रॉस बना होता है, फिर एक बहुत बड़ा लॉन होता है स्टार्टिंग में, पूरा अंधेरा और एक लाइट होती है बस, दैट्स फकिंग इट भाई। अरे 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 बाप रे बाप भाई, क्या गिराज बना भाई, क्या ये भाई, वो है मोगली फाड़ दी भाई, ये तो मोगली में था जो भाई, सही में पीछे तो हम लोगों को देख के लगे भाई रियल जानवर जा रहे, बट आगे देखा तो फिर भाई कलम, बट फेस भी क्या ऐसे लग रहा रियल ही है बिल्कुल। So guys, we just reached back हमारे होटल रूम में और डिनर वगैरह करके आ चुके हैं सब कुछ, बट वी गॉट डिसअपॉइंटेड। बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक वाले रेस्टोरेंट में गए थे तो ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आया, बातचीत वगैरह करने में ज़्यादा मज़ा आता है डिनर करते टाइम। कल से प्रॉपर गोवा घूमना स्टार्ट कर देंगे, आज से जस्ट हम लोग पहुँचे इधर। कितने बजे पहुँचे थे हम लोग? 10:30, 12:30 पहुंचे थे। गाड़ी वगैरह सब कुछ हम लोगों ने ले ही ली थी एयरपोर्ट से, ले ली थी। ओ बुक्स भी है सांगवान, जो कि तू कभी भी नहीं पढ़ेगा। हेलो सांगवान, तू नीचे गद्दा लगा रहा है? अबे वाईफाई भी है भाई, ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। ये खाना उधर पता अच्छा भी नहीं था हम लोगों को, लकीली बीच में एक रेस्टोरेंट मिला और हम लोगों ने वहां से दाल और रोटी पैक करा ली, सांगवान ने मैगी खा ली। ओ ये सो रूम टूर 360 डिग्री। We have washing machine over here, we have microwave, we have stove. भाई stove भी यहाँ पे, nice. सबसे main चीज़ तो ये है router, 10 डा का router है ये, 2 डंडियों वाला, 2 सींग वाला, कल काम आएगा ये। ओ भाई nice couple, happy Valentine's Day.
both of you. इन सब की मौत होने वाली है. So guys, it's written over here, no smoking room है हमारा, but there's a cigar over here. ये हम लोगों ने जस्ट अभी अभी नोटिस करा. ये पता नहीं कोई लास्ट टाइम कोई रह के गया होगा बंदा. फुल उसकी रातें रंगीन होके गई होंगी यहाँ से. सो वी हैव अ बालकनी आल्सो. आप लोगों को कल यहाँ से प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा. अच्छा बालकनी है यहाँ पे, मजा आएगा यहाँ पे सुबह बैठ के चाय वगैरह पीने के लिए. यहाँ पे अभी कपड़े सूख रहे हैं, हमारे सॉक्स सूख रहे हैं. जूते बाहर रख दे बिकॉज बहुत गंदी बदबू आ रही थी सांगवान के जूतों से और मेरे भी. अबे तेरे में से आ रहे, तूने पहले उतारा था. यहीं रख दे भाई, यहाँ रख दे इसके ऊपर. सांगवान से ट्रैवल करना ना मुसीबत वाला काम है. तो मिलते हैं हम लोगों को कल के ब्लॉग में. कल का ब्लॉग इट विल बी अ गुड वन. हमारे पास दो मेंबर और आ जाएंगे, मजा आने वाला है. तो लाइक बटन दबा के जाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबा के जाइएगा. मिलते हैं आप लोगों को फाइनली कल के ब्लॉग में. क्या रखिएगा अपना. होपफुली आप लोगों का वैलेंटाइन डे बढ़िया गया होगा. अबे यार मत ले मेरे से. 15th of February, hopefully आप लोगों का वैलेंटाइन बढ़िया गया होगा. अच्छा क्या क्या होगा भाई? काटियो काटियो इसको चले.